दोस्तों इस वीडियो में होने वाला इन्फिनिक्स इनबुक X2 प्लस लैपटॉप का क्विक रिव्यू। अगर आप इसको परचेस करने की सोच रहे थे तब आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस लैपटॉप में आपको क्या फीचर देखने को मिलते हैं। तो लैपटॉप की तरफ चलने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने को मिलती रहती हैं जो आपका टाइम और पैसा बचा देती हैं। तो अब चलते हैं अपनी लैपटॉप की तरफ। दोस्तों ये रहा अपना इन्फिनिक्स इनबुक X2 प्लस लैपटॉप। डिजाइन यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही स्लिम एंड लाइटवेट लैपटॉप होने वाला है। दो कलर ऑप्शन के साथ में आता है, ब्लू एंड ग्रे। साथ ही में आपको डुअल टोन डिजाइन देखने को मिल जाएगा और टेक्सचर की फिनिश भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल डिजाइन इसका बहुत ही बढ़िया होने वाला है इस प्राइस के हिसाब से। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 15.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो अल्ट्रा नैरो बेजल के साथ में मिलती है। इस लैपटॉप की बैटरी बैकअप की बात करें तो ब्रांड का कहना है 9 to 10 hours वीडियो प्लेबैक टाइम दे देता है, जो कि टाइप सी फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है, यानी कि इसकी बैटरी की क्वालिटी भी बढ़िया होने वाली है। साथ ही में इसकी कीबोर्ड की बात करें तो स्टाइलिश कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि बैकलाइट के साथ में मिलता है। और इसका टच पैड को भी थोड़ा एक्सपेंड किया गया है, टच पैड को वाइड कर दिया गया है, ताकि आपको ब्राउजिंग करने में एक अलग ही एक्सपीरियंस देखने को मिले। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो i5 और i7 में इंडिकेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, जो कि लेयर इसका X3 है। लेकिन i3 में हमको कोई ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन विंडो 11 और साथ ही में 11th gen होने की वजह से और साथ ही में 8GB RAM और 500GB SSD कार्ड होने की वजह से ये आपको हाई टास्क करके दे देता है, जैसे मल्टीटास्किंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, गेमिंग भी इसमें आप कर सकते हो। गेमिंग बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो i5 और i7 में। i3 में आप नॉर्मली गेमिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, साथ ही में अपने मल्टीटास्क को कर सकते हो। और पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको टाइप सी, SD कार्ड, 3.5mm, USB, HDMI जैसे सभी पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जो एक बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। साथ ही में कैमरे की बात करें तो इसमें फुल HD कैमरा इंस्टॉल करके दिया गया है, जिसकी हेल्प से आप वीडियो कॉल कर सकते हो 1080p में, अपने जूम मीटिंग कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, बॉस से बात कर सकते हो, अपने GF से भी बात कर सकते हो। दोस्तों अगर प्राइस की बात करें तो i3 का आपको 35,000 रुपये देना पड़ेगा और i5 का आपको 42,000 यानी कि 42,000 रुपीज़ देना पड़ेगा और i7 का आपको 52 यानी कि 52,000 रुपये देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ स्पेसिफिकेशन थे इस लैपटॉप के। अब आपको ये परचेस करना है या नहीं करना है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर हो सकता है तो आप इसको फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर शेयर भी कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।